आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नामांकन की अंतिम तिथि निकट आने पर बड़ी चुनावी सरगर्मियां। चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि निकट आने पर सरगर्मियां बढ़ी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर फिलहाल नामांकन का कार्य जारी है, जिसके चलते पंच सरपंच के नामांकन बनाए गए। केंद्र पर और जनपद सदस्यों के नामांकन पांसिमल जमा हो रहे हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्य हेतु नामांकन बड़वानी में लिए जा रहे हैं। नामांकन हेतु अंतिम तिथि पास आने के साथ साथ पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई। खेतिया शहर में चारों ओर चुनाव लड़ने वालों की भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने हेतु बनाए गए केंद्र नीसरपुर और भातकी पर लगातार नामांकन पत्र प्राप्त करने का सिलसिला जारी है। खेतिया शहर के मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कार्यालय पर लग रही भीड़, वहीं आवश्यक शपथ पत्र हेतु शपथ आयुक्त के कार्यालय पर भी भीड़ लगी है। स्टैम्प वेंडर्स के यहाँ भी फॉर्म भरने को लेकर भीड़ लगी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों का अवलोकन किया गया। वहीं प्रशासन हर हाल में निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराने की अपनी व्यवस्था कर रहा है। खेतिया शहर में विभिन्न क्षेत्रों के दावेदार अपने नामांकन पत्र पूर्ण करा रहे हैं। अनेक पंच सरपंच के पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिसके चलते महिलाएं भी इस समर में शामिल हो गई। अनुविभागीय अधिकारी पांसिमल सुश्री अंशु जावला भी क्षेत्र भ्रमण कर निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान हेतु आवश्यक निर्देश अधीनस्थों को दे रही हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट को और भी चुनाव लड़ने वालों की नजर लगी है। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां काफी तेज हो गई। नामांकन के लिए अब कल शनिवार व सोमवार का ही दिन शेष है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनपद सदस्य पंच सरपंच के ढेर सारे आवेदन लोग खेतिया शहर में भारी भीड़ के बीच में तैयार कर रहे हैं। वहीं नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कार्यालय नोटरी के यहां पर, वहीं स्टाम्प वेंडरों के यहां लगातार लग रही है भीड़। पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के साथ में अब धीरे धीरे पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों में आने लगी है तेजी। मैं राजेश नाहर, खेतिया से।